हे गाइस, माय नेम इज सुजल जायसवाल एंड यू वाचिंग आई लव डॉग्स। गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम तिब्बतियन टेरियर डॉग ब्रीड के बारे में जानेंगे, इनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तिब्बतियन टेरियर तिब्बत में पाया जाने वाला एक यूनिक टाइप का डॉग ब्रीड है। इसे नाम तिब्बत घूमने गए किसी यूरोपियन टूरिस्ट ने दिया था। यह देखने में बिल्कुल ल्हासा एप्सो जैसा ही होता है, लेकिन हाइट में उससे कुछ बड़ा होता है। इसकी आवाज इतनी बुलंद होती है कि सुनने वाले के मन में टेरर उत्पन्न हो जाता है। मे बी इसी कारण इसे तिब्बतियन टेरियर नाम दिया गया होगा। ओनर की सिक्योरिटी के लिए, घर को गार्ड करने के लिए, इससे बेहतर कोई और डॉग ब्रीड नहीं हो सकती है। गाइस, आधुनिक डीएनए टेस्ट से भी यह प्रूव हो चुका है कि तिब्बतियन टेरियर डॉग्स की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है। यह बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का डॉग होता है तथा इसकी एवरेज लाइफ स्पेन भी सामान्य डॉग से अधिक होती है। ब्रिटेन के केनल क्लब द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि वैसे तो इस ब्रीड्स के डॉग्स की एवरेज लाइफ स्पेन 12 ईयर्स तक ही होती है, लेकिन 20% तिब्बतियन टेरियर ऐसे होते हैं जो 15 ईयर्स या उससे अधिक समय तक के लिए जीवित रह सकते हैं। अभी तक सबसे अधिक एज तक जीवित रहने वाला तिब्बतियन टेरियर 18 ईयर्स का था। तिब्बतियन टेरियर तिब्बत का सबसे पवित्र एनिमल माना जाता है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इसे नेचर ने इसलिए बनाया है ताकि हिमालय पर्वत पर रहने वाले सन्यासियों की सुरक्षा की जा सके। गाइज, ये डॉग्स हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं और ठंडी जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। गाइज, वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि अगर इसके पप्पी को किसी को गिफ्ट किया जाए तो उसके घर में सुख और समृद्धि अपने आप आती है। सो तिब्बतियन टेरियर को लेकर वहाँ के लोगों में इस तरह की कुछ आम मान्यताएं भी हैं। गाइज, वैसे तो तिब्बतियन टेरियर्स का बिहेवियर सभी के लिए सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी ये अपने ओनर की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने घर को गार्ड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और उन्हें उनकी मदर से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर आप इनके सामने किसी छोटे बच्चे को मारते हैं या परेशान करते हैं तो यह उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी अजनबी व्यक्ति के घर में घुसते ही उसके समीप इस प्रकार बैठ जाते हैं कि यदि वह उनके मालिक पर हमला करे तो वह उसे आसानी से काट सके। गाइस, तिब्बतियन टेरियर हमेशा अपने घर को गार्ड करने की कोशिश करता है और हमेशा यह चाहता है कि उसके घर के सभी मेंबर्स सुरक्षित रहें, और ये एक बेस्ट गार्ड डॉग की निशानी भी है। गाइस, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि तिब्बतियन टेरियर एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ का टेम्परेचर अगर -15 डिग्री सेल्सियस भी हो तो वहाँ पर वह आसानी से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आप एक तिब्बतियन टेरियर डॉग लेने का सोच रहे हैं और उसे किसी ऐसी सिटी में रखते हैं जहाँ पर गर्मियों में भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता हो तो गाइस, ऐसे में तिब्बतियन टेरियर सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो प्लीज़, अगर आप किसी ऐसे प्लेस से रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सर्दियों में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती है जो कि तिब्बतियन टेरियर के लिए ज़रूरी हो, तो प्लीज़ आप इस डॉग ब्रीड को ना लें। सो गाइज, यही था आज का हमारा वीडियो तिब्बतियन टेरियर को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। गाइज, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।